प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इस साल अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो एक याद रख लीजिएगा, जो केके पाठक है केवल शिक्षकों को बर्बाद नहीं करेगा, आप लोगों को भी बर्बाद करके छोड़ देगा। क्योंकि आज का जो प्रश्न आया है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग हिल गया था, जो बढ़िया से तैयारी नहीं किए हैं, है ना। ये जो विषय कोड 111 सामाजिक विज्ञान जो आज परीक्षा हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें गलत जवाब देके चले आए, जो खुद जो बच्चा मेरे पास क्वेश्चन लेकर आया उसका जो है आधा से ज्यादा गलत था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप जो है जो इस बार जो शिक्षक हैं क्वेश्चन कैसे सेट किए हैं, आपका मजा लेने के लिए सेट किए हैं। क्यों? क्योंकि इस साल आप जागरूक होंगे तो आपको पता होगा कि इस साल आपका पैटर्न बदल जाने वाला है। इतना याद रखिएगा कि इस साल परीक्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो जो लोग पुराने ख्यालात के हैं, सोचते हैं मॉडल पेपर और क्वेश्चन में का रट के हम काम निकाल लेंगे, अच्छा नंबर ला लेंगे, तो इस साल संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो आज परीक्षा हुआ है, टेस्ट एग्जाम हुआ है सितंबर माह का, जो है ना सोशल साइंस का जो हुआ है, सोशल साइंस का हुआ है, तो इसको जो है इसका आंसर की मैं लेकर आया हूँ। तो आंसर की आपको पता चल जाएगा कि आप जो क्वेश्चन बना के आए हैं तो कितना सही है और कितना गलत है, आप मिलान कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे जिनका परीक्षा नहीं हुआ है, अब ये परीक्षा बाद में कल होगा या परसों होगा, तो उन बच्चों के लिए भी काफी राहत की बात हो जाएगी। तो अपना अपना क्षमता बताइए कि आप कितना जो है आंसर सही मार के आए हैं, तो आप जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर आप के कोई दोस्त हैं आपके साथ परीक्षा दिए हैं, उनको भी वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा कि उन भी जांच कर ले कि उनका कितना नंबर आया है। तो वीडियो को अच्छा तरह से देखने के लिए 360p के क्वालिटी पर जरूर देखिएगा। हम सीधे आते हैं अपने प्रश्न पर। तो क्या प्रश्न क्या है, सबसे पहले जानिए, ये जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न में से आपको मात्र 24 का ही उत्तर आपको देना था। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। कंफ्यूजन, इतना ज्यादा प्रश्न हेर फेर करके इस साल पूछा है कि जो कभी नहीं पूछता था, एकदम बच्चों को बता दिया गया है कि ठीक से पढ़ो ना तो इस साल क्रॉस तुम्हारा पक्का लगेगा। अब जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, उनका तो इस साल स्थिति बुरा होने वाला है। इसलिए मैं कहा हूं कि या तो आप इस साल आबाद हो जाइएगा, नहीं तो इस साल बर्बाद हो जाइएगा। तो मिलान कीजिए, ऑप्शन ए क्या है, डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है, नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है झारखंड, डी है ओडिशा। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड में है। तो क्या लगता है, सही लगा के आए हैं कि नहीं लगाए हैं, कमेंट करके बताइए हमको। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कम मात्रा किस कोयला में होगी, सबसे खराब प्रकार के कोयला में होगी। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लिग्नाइट, डी है बिटुमिनस। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पीट, जो इसमें है कार्बन की कम मात्रा होती है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, जो प्राकृतिक नेचुरल गैस होता है किस खनिज के साथ पाई जाती है। ऑप्शन ए कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है यूरेनियम, डी है बॉक्साइट। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। जहां जहां पेट्रोलियम होता है वहां वहां प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, इसलिए खाड़ी देश सऊदी अरब, दुबई, ईरान, यहाँ पेट्रोलियम ज्यादा है तो प्राकृतिक गैस भी ज्यादा है। फिर आता है अगले प्रश्न पर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आप फ्लड में से बारह मत समझ लीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग अगर जो है कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे गलत लगा के आए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, रोज रोज जो है मेरा वीडियो देखना है, मैं आपको नया नया तरीका बताते रहता हूँ, आपको ट्रिक बताते रहता हूँ, आपका परीक्षा का मैं भली भांति तैयारी कराने में आपका सहयोग कर सकता हूँ, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति से, बी है हरित क्रांति से, सी है औद्योगिक क्रांति से और डी है पीली क्रांति से। तो औद्योगिक क्रांति तो ये व्यापार में आता है, लेकिन ये तीन क्रांति है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति का मतलब क्या हुआ, दूध उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का मतलब अनाज खासतौर पर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। पीली क्रांति का मतलब क्या हुआ, तेलहन के उत्पादन में वृद्धि। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, समझे। दूध के उत्पादन में जो वृद्धि के लिए जो सरकारी योजना बनाया था उसको कहा
ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में क्या नकदी फसल है। नकदी फसल किसे कहते हैं पता है ना, जो खाने के लिए नहीं बोया जाता है, बेचने के लिए लाभ पैसा के लिए बोया जाता है, बेच के जो है अपना धन कमाने के लिए। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है बाजरा, सी है चाय, डी है चावल। क्या लगता है इसमें कौन जो है नकदी फसल है, कौन सा सही जवाब है? ये आसान प्रश्न है, सब कोई सी का सही होगा जहाँ तक मुझे यकीन है। यो गलत होगा तो समझ लीजिए कि आप में कोई दम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करना शुरू कीजिए। 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चाय जो है लोग जो है बाकी जो गेहूँ बाजरा और चावल खाद्यान्न में फसल है, खाने के लिए बोते हैं लेकिन चाय नहीं, उसको बेचने के लिए बोया जाता है, जो खेती उसका करता है। फिर आते हैं भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1850, बी 1854, सी 1898, डी 1954। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1854 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कहाँ रेल का कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए है पटना, बी है बार, सी है गया, डी है जमालपुर। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप का कारखाना है। फिर आते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। ये जो प्रश्न है आपका मजा लेने के लिए सेट किया गया है, कंफ्यूजन में रखने के लिए। ऑप्शन ए है सुनामी, बी है बाढ़, सी है सूखा, डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें प्लेट आता है ना, क्रोड मेटल और भूपरपति, तीन पृथ्वी की जो तीन परत है तो उसके बीच में जो प्लेटें टकराती है मध्य परत में तो क्या आता है, भूकंप आता है। लेकिन यहाँ तो भूकंप ऑप्शन है नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे सुनामी कब आता है? सुनामी आता है भूकंप में, जब जो है समुद्र की तलहटी में जो भूकंप होता है तो समुद्र का लहर आसपास के जो है तटीय इलाकों में फैलता है सुनामी। तो ये जो किसके चलते हो रहा है तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा 8 का। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय किस बांध पर बना है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, पहले क्वेश्चन ऑप्शन तो देख लीजिए। ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, बी है रिहंद बांध, सी है भाखड़ा नगल बांध, डी है टिहरी बांध। इसका सही जवाब आप दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बी, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध है, उसी पर पंत सागर नामक जलाशय जो है, इसी जलाशय पर रिहंद बांध बनाया गया है। फिर आते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये तो जो भैंस और बकरी, ये भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। ऑप्शन ए है गंडक, बी है गंगा, सी है पुनपुन, डी है कोसी। तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है, आना जो केंद्र सरकार के अधीन हो। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, सी है विदेश नीति, डी है पुलिस। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विदेश नीति। ये संघ का सूची में आता है कि केंद्र सरकार जो होती है, संघ सरकार वही विदेश नीति को धारण करती है, नहीं कि बिहार अलग से संबंध विदेशों से रखेगा, ऐसा नहीं होता। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1950, बी 1954, सी 1960, डी 1963। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, 1963 जो है उसी समय नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, बी है पटना, सी है गया और डी है भागलपुर। प्यारे बच्चों अगर आप सोशल साइंस का परीक्षा दिए हैं, ये कोड नंबर 111 वाला आपके पास क्वेश्चन है, इसी का मैं आंसर बता रहा हूं। अगर आप लोग जो है आपके पास ये है तो आप लोग पता लगाइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कितना नंबर ला रहे हैं। तो क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पटना। पटना में सबसे पहले बिहार में नगर निगम स्थापित किया गया, अब प्राचीन नगर है। फिर अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। बहुत आसान प्रश्न है, क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए राजस्थान। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया। ऑप्शन ए 1965, बी है 1963, सी है 1975, डी है 1985। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा इसका? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ऑप्शन ए है पंचायत समिति, बी है ग्राम रक्षा दल, सी है ग्राम कचौरी, डी है ग्राम सभा। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी होगा, ग्राम सभा। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए है डोगरी, बी है भोजपुरी, सी है संथाली, डी है सिंधी। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बहुत ही आसान है, अपना जो है आप लोग जहाँ कहाँ के हैं, बिहार के हैं, तो बिहार की प्रमुख भाषा भोजपुरी है, इसी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। जबकि इसके बोलने वालों की संख्या ये तीनों भाषाओं से ज़्यादा है, फिर भी इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि इसको शामिल किया जाए। फिर अगला प्रश्न है नरोत्तम सेनू किस देश के शासक है। अब इतिहास में आ जाइए। ऑप्शन ए है लाओस, थोड़ा सा आपको अब राहत मिलेगा, आप आसानी से बता दीजिएगा। बी है कम्बोडिया, सी है वियतनाम, डी है मालदीव। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब है कम्बोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। कम्बोडिया एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, अंकोरवाट का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था रूस में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, ऑप्शन ए है ले स्टालिन, बी है लेनिन, सी है निकोलस द्वितीय, और डी है मेजनी। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। फिर आते हैं, चैनल पर नए हैं इतना आ गए हैं भाई, 20 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जरूर चाहते हैं कि आप अच्छा से पढ़ें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर आते हैं अगला प्रश्न कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। ऑप्शन ए है मेटरनिक, बी है मेजनी, सी है ट्रस्ट की, और डी है नेपोलियन। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वहीं की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ का चांसलर मेटरनिक था, तो वियना सम्मेलन उसने बुलाया था। फिर आते हैं अगला प्रश्न है, 21 नंबर की चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थापित किया गया था, स्थगित, सॉरी चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया, गांधी जी ने बंद किया था। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ आंदोलन, डी है चंपारण आंदोलन। तो इसका प्यारे बच्चों सही जवाब होगा बी, क्या असहयोग आंदोलन। उसी समय गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, 22 गो पुलिस वाला का जान चला गया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया था। फिर आते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें भी आपका मजा लेने के लिए एग्जामिनर प्रश्न पूछा है, कैसे, क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष आप लोग ज्यादा याद नहीं करते हैं, आप लोग याद करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहल का अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहल का अध्यक्ष कौन थे। क्या लगता है ऑप्शन ए देख लीजिए, लाला लाजपत राय, बी है घनश्याम दास बिरला, सी है चित्त रंजन दास, डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। मैं पहले ही बता दिया हूँ ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ना कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नहीं थे, ये तो ऑप्शन में पक्का नहीं होगा। क्या सही होगा इसका? ए लाला लाजपत राय जो थे यही थे भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, है ना। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर कि किस, ये तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया। ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिव्यू, बी है बंगाल गजट, सी है इंडियन मिरर, डी है अमृत बाजार पत्रिका। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों
ये तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृत बाजार पत्रिका। इसी ने रातों रात अपना जो है भाषा बदल दिया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है हम्फ्री डेवी, बी है एडमंड कार्टराइट, सी है थॉमस बेल, डी है जेम्स वाट। बहुत आसान प्रश्न है बबुआ, कि जो जेम्स वाट थे वो भाप इंजन का आविष्कार किए थे, ना कि सेफ्टी लैंप का। तो इसका सही जवाब होगा ए, हम्फ्री डेवी। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ऑप्शन ए है भूमि विकास बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है नाबार्ड, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, मैं नाम ही रख दिया आप लोगों से। चलिए ऑप्शन में चार बता दिया हूँ, कौन सही होगा? यार बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, नाबार्ड, है ना। तो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए यही जो है शीर्ष संस्था है जो वित्त प्रदान करता है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे ज्यादा, किस क्षेत्र का योगदान है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, बी है औद्योगिक क्षेत्र का, सी है सेवा क्षेत्र का, डी में से कोई नहीं। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। 60% जो है जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, क्या अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ए है 1990, बी है 1995, सी है 2001 और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, सोचिए जल्दी से और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है इस बार के टेस्ट एग्जाम जो बिहार बोर्ड ले रहा है। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए होंगे या फिर कम नंबर लाए होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, उसी के आधार पर तो आपकी तैयारी हो पाएगी। जल्दी से बताइएगा, एग्जाम का पैटर्न आप इसी से समझते चलिए कि इस साल कुछ होने वाला है और वो भी बड़ा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1995, ये इसका सही जवाब होगा, इस समय डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो बच्चे ये प्रश्न, जिन बच्चों का ये आज एग्जाम नहीं हुआ है समझ लीजिएगा उनका होने वाला है, तो काफ़ी सारा उनको मदद मिल जाने वाला है, उनको तक भी वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। बी है ISI मार्क, सी है एग मार्क, डी एन में से कोई नहीं। क्या लगता है सही आंसर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एग मार्क। जो खाद्य पदार्थ होता है उस पर एग मार्क रहता है, जो आभूषण होता है ना गहना उस पर हॉल मार्क होता है ना। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल 2000, बी है अप्रैल 2001, सी है अप्रैल 2002, डी एन में से जून 2005। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही जवाब होगा बी, अप्रैल 2001। फिर आते हैं कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है? लास्ट प्रश्न है और फास्ट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में मदद कर सकूँ। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है वित्त मंत्रालय, सी है भारतीय स्टेट बैंक, डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या लगता है सही जवाब इसका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक भी सिक्के को भी जारी करता है, समझे? तो इस तरह से आपका 30 में आपको बनाना था 24, और 24 में आपका कितना सही है जरूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।